हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का ओआरएम 4 सेक्शन ए से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हर एक का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्मड इज। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑब्लिक हीट, तो इससे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। पहले तो एसिडिक मीडियम H प्लस से OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करके OH टू प्लस बनाएगा C2H5OH2 प्लस, मतलब H2O लिविंग ग्रुप बन गया, तो H2O निकल जाएगा तो आपके पास C2H5 प्लस बचेगा कार्बोकैटायन। इसके बाद यहाँ से H जो अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है, यहाँ से H जाएगा CH2, और ये जो H है ये H अपना बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करता है और ये H प्लस रिलीज हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है अल्किन, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये C2H4 है, ऑप्शन सी। इसके बाद सेकंड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। तो नॉर्मल प्रोपाइल CH3 CH2 CH2Br, नॉर्मल प्रोपाइल से ब्रोमीन अटैच कर दीजिए तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे इथानोलिक, इथानल आपका अल्कोहल होता है, मतलब अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH E2 इलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से Br और यहाँ से H, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन से Br और यहाँ से हाइड्रोजन, तो -HBr हो गया, तो आपका प्रोपीन बन गया, ऑप्शन बी, प्रोपाइन प्रोपानोल ये सब रिजेक्टेड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज। तो बोल रहा है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा जो डिहाइड्रेशन कराएंगे, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 से जो रिएक्शन करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट से पहले इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, तो किस केस में मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा, तो फिर H2O लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। नेक्स्ट जब यहाँ से जाएगा, मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2 प्लस बनाएगा, मतलब H2O लिविंग ग्रुप, तो H2O चला जाएगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये जो कार्बोकेटायन है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से ये 1 डिग्री ही बनेगा, यहाँ से H2 प्लस जाएगा, तो मतलब जाएगा जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, CH3 CH2 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 प्लस, नेक्स्ट ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस केस में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है। बाकी के केस में देखिए, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 प्लस 3 हाइपर कंजुगेशन 5 ही है, इस केस में हाइपर कंजुगेशन 2 है, सिर्फ इस कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और दोनों से 3 प्लस 2 हाइड्रोजन है। और इस केस में जब ये अल्फा कार्बन रहेगा तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन 1 ही है, नेक्स्ट अल्फा कार्बन होता है तो इससे एक ही हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इस केस में नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और सभी से 3 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री का ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटास गिव्स। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम ब्यूटेन और फर्स्ट से क्लोरीनेटेड है, तो 1 क्लोरो, बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। इसका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटास, पोटास आपका KOH होता है, तो अल्कोहलिक KOH, तो फिर से इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से Cl और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा H, और यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका अल्किन बनेगा और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटीन, और फर्स्ट से डबल बॉन्ड मतलब 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन बोलिए या 1 ब्यूटीन बोलिए, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं या पहले भी 1 लिख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन ऑप्शन ए, 2 ब्यूटीन नहीं है, और ये दोनों तो अल्कोहल है, अल्कोहल तो होगा ही नहीं, अल्कोहल के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ
दिस इज, तो आपका पीएचओ सी एच थ्री ईथर है, इसका रिएक्शन एच आई से करवा रहे हैं, उसके बाद हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे लोन, फिर ये एच प्लस एक्सेप्ट करेगा तो सी सिक्स एच फाइव ओ एच प्लस और सी एच थ्री, अब आई माइनस, तो अब एस एन वन होगा या एस एन टू होगा? तो एस एन वन के लिए 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो 1 डिग्री, यहाँ फिनाइलिक कार्बोकेटायन, तो फिनाइलिक कार्बोकेटायन भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब कि एस एन टू मैकेनिज्म होगा, तो लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा तो पी एच ओ एच फिनोल बनेगा, फिनोल प्लस सी एच थ्री आई, सी एच थ्री आई, फिनोल प्लस सी एच थ्री आई ऑप्शन ए। अब आप यदि आई माइनस का अटैक यहाँ करवा दीजिएगा तो सी एच थ्री ओ एच प्लस पी एच आई बन जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, एस एन टू होगा तो लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक होगा, मतलब सी एच थ्री से आयोडीन अटैच होगा और बेंजीन मतलब फिनाइल रिंग से ओ एच अटैच होगा। इसके बाद सिक्स्थ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन, तो एसिडिक कंडीशन में कौन इजिली डिहाइड्रेट हो जाए, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 से फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो जो सबसे स्टेबल अल्किन बनाएगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा, तो इस केस में पहले तो H प्लस से ये OH2+ बनाएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री से यहाँ पे भी जाएगा तो 2 डिग्री भी बनाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ है तो स्टेबल अल्किन तो यहाँ से बने, क्योंकि यहाँ यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो सी एच थ्री का कंजुगेशन भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड रखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, नेक्स्ट इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसके बाद इसमें ये ओ एच टू प्लस जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इस तरह से डबल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेक्स्ट यहाँ से OH2 प्लस पहले बनाएगा H प्लस एक्सेप्ट करके, यहाँ से H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब देखिए अल्किन सारा बन गया, सभी का मेजर प्रोडक्ट बना है, तो जिसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वही आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो है लेकिन कंजुगेशन में नहीं है, इन दोनों में कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे भी पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजुगेशन को, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन दोनों में है लेकिन हाइपर कंजुगेशन, इस केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं है क्योंकि इसके नेक्स्ट कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस डबल बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन है, इसके नेक्स्ट कार्बन ये सी एच थ्री 3 हाइड्रोजन एस सी थ्री, तो ये ज्यादा स्टेबल अल्किन होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिव भी यही ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन, एच प्लस, तो एसिडिक मीडियम में माइनस एच टू हो रहा है, मतलब इलिमिनेशन, यहां से OH, यहां से एच जाएगा तो आपका अल्किन बनेगा, उसके बाद बी आर टू सी सी एल फोर, मतलब ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो सी फोर एच एट बी आर टू बन रहा है, 5 such products आर पॉसिबल, तो F का कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके ओ एच टू प्लस बनाएगा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से एच टू हटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा हाइड्रोजन, तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो दो अल्किन बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी, नेक्स्ट इथाइल ग्रुप सी टू एच फाइव, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से सी टू एच फाइव अटैच कर दीजिए, और यहाँ डबल बॉन्ड के लॉन्ग हाइड्रोजन भी फिलअप कर ही दीजिए, ये आपका दो प्रोडक्ट है, ये दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है, लेकिन ये वाला जो है ये जी आई सो करेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लॉन्ग दो डिफरेंट एटोम एटेट है, सिमिलरली इसके लॉन्ग ही दो डिफरेंट एटम,
मतलब इसका सिस प्लस ट्रांस दो अल्किन पॉसिबल होगा, और इस केस में जीआई नहीं होगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड के लोन सेम एटम अटैच है हाइड्रोजन, तो इसमें जीआई नहीं होगा। तो 2+1 टोटल 3 अल्किन ही पॉसिबल होगा। इससे अब 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर बने या ना बने उससे कोई अथी नहीं है, लेकिन आप जब चेक कीजिएगा तो 5 ही बनेगा क्योंकि दे दिया है कि 5 प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड के लोन दोनों कार्बन पे बीआर अटैच हो जाएगा, तो आपका C2H5 नेक्स्ट CH, इससे भी बीआर अटैच हो जाएगा, नेक्स्ट CH2 इससे भी बीआर अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो कार्बन है ये काइरल कार्बन है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ना तो POS पेडिएंट है ना COS, क्यों? क्योंकि इसके अलावा 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक ब्रोमीन, एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक CH2Br। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब दो प्रोडक्ट ऑन करेगा, तो आपका दो प्रोडक्ट हुआ। और इससे सिस प्लस ट्रांस, तो सिस के केस में दो प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ब्रोमिनेशन जो होता है एंटी एडिशन होता है, तो सिस ब्यूट टू इन है, तो ब्यूट टू इन सिस स्ट्रक्चर जब रहेगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण, खुद प्लस उसका मिरर इमेज बनेगा। लेकिन ट्रांस के केस में ट्रांस और एंटी एडिशन जब होता है तो मिजो प्रोडक्ट बनता है, तो टोटल इससे सिस प्लस ट्रांस से 3 प्रोडक्ट बनेगा और इससे 2 प्रोडक्ट, 5। अब अगर एंटी की जगह सिन भी होता तब भी 3 प्रोडक्ट ही बनता, ये तो आपको पता होना चाहिए। उस केस में बस अपोजिट हो जाता, सिस और एंटी में ऑप्टिकली एक्टिव बनता है तो ट्रांस और सिन में ऑप्टिकली एक्टिव बनता, और सिस और सिन में मिजो बनता, बनता तो टोटल 3 ही, तो 3+2। तो टोटल एफ पॉसिबल कितना है, 3 एल्किन पॉसिबल है, आंसर डी, ऑप्शन डी। इसके बाद 8, द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। तो आपके पास 1-2 ड्राई ब्रोमो इथेन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, इसमें कौन सा रिएजेंट होगा जिससे कि इलिमिनेशन हो जाए? तो यहाँ से बी आर, यहाँ से एच हटेगा तो एक बॉन्ड आएगा, मतलब डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये बी आर, ये एच हटेगा तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा है? तो अल्कोहलिक क्यूएच, तो अल्कोहलिक क्यूएच इलिमिनेशन करेगा, लेकिन जब एक बार एलिमिनेशन हो जाएगा अल्कोहलिक की वजह से तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH, डबल बॉन्ड CH और एक BR रहेगा, सिमिलरली यहाँ से एक H रहेगा क्योंकि ये वाला BR और यहाँ से एक H हटा तो एक H यहाँ कम गया। अब ये जो ब्रोमीन है, देखिए ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड आने से कंजुगेशन में हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने से क्या होगा कि अल्कोहलिक के ओएच फर्दर इलिमिनेशन नहीं कर पाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज करेंगे, तो अल्कोहलिक के ओएच के बाद NaNH2 NH2- स्ट्रॉन्ग बेस से OH- से, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है फर्दर इलिमिनेशन कर देता है, मतलब ये बी आर और ये एच हटेगा तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका CH CH बनेगा। तो आंसर होगा बी, अल्कोहलिक के ओएच फॉलोड बाय NaNH2। अल्कोहलिक के ओएच जो है अल्कीन तक ही बनाएगा, फर्दर अल्काइन नहीं बना सकता है क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट कर लेता है पाई बॉन्ड के आने से। और एक्वस के ओएच नहीं हो सकता, एक्वस के ओएच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, तो एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक के ओएच का होना जरूरी है। ये पॉइंट NCERT में लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक के ओएच से एलिमिनेशन रिएक्शन और एक्वस के ओएच से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट एच ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो आपके पास कार्बोनिल है, कीटोन, बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट एच क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो CN- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये CN- अटैक करेगा तो ये O- शिफ्ट करेगा, तो आपका होगा CH3 CH2 कार्बन, यहाँ से O- CH3 और CN। उसके बाद 95% H2SO4 से हीट कर रहे हैं, H2SO4 एसिडिक मीडियम, ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH बनाएगा और RCN RCOH बना लेता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो ये CN से COOH बनेगा और ये OH, तो CH3 CH2 कार्बन से OH COOH CN वाला पार्ट, और ये जो मिथाइल है इस कारण से मिथाइल भी अटैच कर दीजिए। अब हीट है 95% H2SO4, ये तो अभी भी रहेगा ही एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो OH, और H तो यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैकेनिज्म आपको पता ही है, पहले H प्लस ये एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर अल्फा कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोजन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा जो H का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड कार्बन, इससे सी ओ एच और सी एच थ्री, कौन सा ऑप्शन में है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड कार्बन से सी एच थ्री और सी ओ एच, ऑप्शन ए यही हो जाएगा। बी में बाकी सब तो ठीक है लेकिन सी एन को सी ओ एच में कन्वर्ट नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें फर्दर इसका डिहाइड्रेशन नहीं करवाया है, मतलब माइनस एच टू ओ नहीं किया है तो ये भी नहीं होगा। इस केस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड बना दिया है, ये कहाँ से बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा। अगले लेक्चर में सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।